इन दोनों में से कौन सा कलर बेटर है आज मैं ही देखने वाला हूँ। 75 डेज ड्राइंग चैलेंज का आज है डे 4। ये है ऑयल पेस्टर, इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है डॉम्स के प्लास्टिक क्रेयॉन्स, इसके लिए मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक ड्राइंग शीट के ऊपर डे 4 लिख लेता हूँ और उसको दो पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ प्लास्टिक क्रेयॉन्स और दूसरी तरफ ऑयल पेस्टर लिख लेता हूँ। बिना कुछ सोचे समझे आज मैं बनाने वाला था एक ऐप लोगो। आप मुझे कमेंट करके बताने कौन से ऐप का लोगो है। इस वीडियो पे 10,000 लाइक हुए तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। और लोगो भी बनके तैयार थी, अब बारी थी इनमें कलर करने की। तो मैं ऑयल पेस्टर कलर से इसमें कलर करने लगता हूँ। ऑयल पेस्टर से तो कलर करना अब मुझे अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हो कि यहाँ तो प्लास्टिक क्रेयॉन्स होने थे और यहाँ पे होने थे ऑयल पेस्टर। पर कोई नहीं, हम इनका नाम चेंज कर देते हैं। प्लास्टिक क्रेयॉन्स को ऑयल पेस्टर, ऑयल पेस्टर को प्लास्टिक क्रेयॉन्स करके मैं बाकी ड्राइंग को पूरी करने लगता हूँ। अब बारी थी प्लास्टिक क्रेयॉन्स से इसमें कलर करने की। प्लास्टिक क्रेयॉन्स तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और मैं इन्हें बहुत जल्दी जल्दी से करने लगता हूँ जब भी ये होता है। येलो कलर तो मेरा टूट जाता है। पर कोई नहीं, हम बचे हुए कलर से ड्राइंग को पूरा करते हैं। इस बार मैं पूरी सावधानी से कलर को फिल कर रहा था ताकि टूटे ना। देखते देखते दोनों लोगों में कलर फिल हो गया था। इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है मुझे कमेंट में बताना।